अब बात करते हैं अजमेर की, जहां चीफ रीजनल ऑफिसर से परेशान बैंक कैशियर ने सुसाइड कर लिया है। मौके से सुसाइड नोट मिला है, उसमें कैशियर ने लिखा, अफसर मुझे बार बार नौकरी से निकालने की धमकी देता है, मेरी अस्थियों को नियाग्रा फॉल्स या कनाडा किसी वाटरफॉल में बहाया जाए। मामला अजमेर रविवार रात का है। कोतवाली थाने के SI देवा राम के अनुसार हाउसिंग बोर्ड अजय नगर निवासी भगवान दास मोची ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनका 26 साल का बेटा हिमांशु निरंकारी इंडियन ओवरसीज बैंक किशनगढ़ में कार्यरत है। वह 26 जून की शाम को अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। रात 8 बजे उसकी पत्नी ज्योति ने देखा तो फंदे पर लटक रहा था। पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारा और JLN हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मौके से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने चीफ रीजनल ऑफिसर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक के छोटे साले आगरा निवासी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले एक साल से छुट्टी लेकर बैठे थे। उनके स्पाइन में इंजरी थी और इलाज चल रहा था। इसकी सूचना बैंक में दे रखी थी। पिछले कुछ दिनों से बैंक वाले प्रताड़ित कर रहे थे। लास्ट बार 20 जून के पास लेटर दिया कि ज्वाइन कर ले वरना टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। उसके प्रेशर में सुसाइड कर लिया है। चीफ रीजनल ऑफिसर SN पांड्या के प्रताड़ित करने के कारण सुसाइड करने की बात लिखी है। मृतक हिमांशु निरंकारी ने सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार चीफ रीजनल ऑफिसर SN पांड्या है, जो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे। इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ा करप्शन चल रहा है, जो CBI, ED और RBI सभी की नजरों से दूर है। मैं अथॉरिटीज से गुजारिश करना चाहता हूं कि देश भर में बैंक की हर ब्रांच पर रेड की जाए, जिससे भ्रष्टाचार सामने आ सके, जो करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो लोगों के सामने आना ही चाहिए। इसमें एक भ्रष्टाचार 2013 में किशनगढ़ ब्रांच में भी 16 करोड़ का किया गया था, जिसमें सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्यवाही की गई और मामला 1.5 करोड़ में सेटल कर दिया गया। CBI और ED को कोई जानकारी नहीं की गई है। इनको बैंक वाले प्रताड़ित कर रहे थे, रिकॉल नोटिस दे रहे थे, टर्मिनेशन लेटर के लिए मतलब इनको धमकियां दिए जा रहे थे।